ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। बहुत ध्यान से सुनना आपको मेरी बात, यहां से आपकी प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। ठीक, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम कहते हैं वो यहां से शुरू हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस सबको पता है, क्लास टेंथ में सबने इसको पढ़ा था। देर आर सिक्स रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे पहली बात बेटा यहां पर कि हमने जो ये पढ़े सारे के सारे हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये कोई भी फॉर्म हमारी कंप्लीट इसमें नहीं है। तो भले हम कंप्लीट फॉर्म यूज कभी नहीं करेंगे बट पता होना हमको जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, साइन का फुल फॉर्म बेटा यहां पर होता है एस आई एन ई, कॉस का होता है कोसाइन, टेन का बेटा होता है टेंजेंट, कॉट का होता है कोटेंजेंट और सेक का होता है बेटा सेकेंड और कोसेक का होता है कोसेकेंड। दिमाग बिठा लीजिएगा, छह नाम हमारे पास कंप्लीट है, हम यूज कभी इनको नहीं करेंगे, यूज शॉर्ट फॉर्म ही करेंगे, लेकिन फुल फॉर्म्स पता तो हमको होनी चाहिए ना। ठीक है, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो ये बात रही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। देयर आर टोटली सिक्स रेशियोज, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन छह फंक्शंस पर ही चलती है। ठीक, अब यहां पर सबसे पहला फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, क्या पढ़ते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, सबसे पहली चीज आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के बेसिस पर हम लोग इन सारे रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं, या हमको पता होती है। ठीक है, ध्यान दो यहां पे आप थोड़ा सा, ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, ए हो गया, बी हो गया और ये हमारा यहां पर सी। ठीक, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पहले डिसाइड करें कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक, तो दिमाग में रखिएगा बिल्कुल कि जब तक हमारे पास कंसीडर्ड एंगल नहीं है हम परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात नहीं करते। सपोज करिए अगर मैंने कहा ये एंगल हमारा कंसीडर्ड है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर मानी जाएगी, और अगर ये कंसीडर्ड है तो ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। चलिए अगर हम इसको ले लें कंसीडर्ड एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, एंड रिमेनिंग साइड इज बेस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ठीक, हम यहां पर सारे रेशियोज की वैल्यू की बात करेंगे। काफी लोगों को लग रहा होगा अरे ये क्या सर पढ़ा रहे हैं, ये तो हम पढ़ा सकते हैं, इसमें क्या है? लेकिन बेटा क्या करूं, शुरुआत यहीं से होती है और बेसिक छोड़ना मेरी हैबिट में नहीं। ठीक है, मैं शुरुआत बिल्कुल जीरो से ही करता हूं और पूरा 100,000 जहां तक आप कहोगे वहां तक जाता हूं। ठीक है, शुरुआत बेसिक से ही होनी चाहिए। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। सारे लोगों ने टेंथ क्लास में इसको निकालने का एब्रीविएशन सबने पढ़ा। ठीक, सारे लोगों ने पढ़ा था, इस टाइप से पढ़ा, तमाम फुल फॉर्म्स हैं इसकी, काफी बच्चों ने बनाई हुई है, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, लाइक पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, लाइक पढ़ ले बेटा पढ़ ले हम हैं बर्बाद, मतलब कोई सीनियर जूनियर को नसीहत दे रहा है कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले हम हैं बर्बाद, मतलब हम नहीं पढ़े तो हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं, आपको पढ़ लेना चाहिए। एनीवेज ये सब एक फनी चीजें हैं, ये हमको ऐसे भी याद रह सकता है। ये साइन थीटा के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये कॉस के लिए हो जाएगा, ये टेन के लिए हो जाएगा, ये कॉट के लिए हो जाएगा, ये सेक के लिए हो जाएगा और ये हमारा कॉसेक के लिए हो जाएगा। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉस हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना? परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है और इसके प्रूफ के लिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊं, मैं आपसे कहूंगा इसको आपको याद ही करो।
इसके बाद जितने फॉर्मूले आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे वो सारे के सारे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कोई भी फॉर्मूला कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक, चलिए ये पहली बात हुई। दूसरी बात, बेसिक रिलेशंस क्या होता है। पहला होता है बेटा से हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन। अगर आप चाहें तो यहां से दो बातें कर सकते हैं। पहली बात, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। दूसरी बात, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन। ठीक, तो यहां से हम दो तरह के रिजल्ट और निकाल सकते हैं। कौन कौन से? कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तीसरी बात, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन। यहां से हम दो बातें कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। ठीक, एक और जान लो आप यहां पर कि भाई टेन थीटा की वैल्यू को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कह देते हैं और कॉट थीटा की वैल्यू को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कह देते हैं। तो दो तरह से आपके सामने आ गए। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये। अभी तक कुछ भी नई बात ट्रिग्नोमेट्री में आपके सामने नहीं आई है, ये सब कुछ वेल नो है। बस मेरे कहने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये चीजें सारी वही हैं जो आपने क्लास टेंथ में की हुई है। ठीक, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे इनको हम सब लोग मिलकर तो अच्छा होगा, क्वेश्चन हमको डिफिकल्टीज नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा अगला जो चीज आपने पढ़ी थी क्लास टेंथ में वो पढ़ी थी आपने यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सबने पढ़ी और बहुत यूज भी किया आपने इनका। क्या था? पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक, यहां से दो रिजल्ट आपने निकाले थे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो आपके दिमाग में जो है आपने शायद कभी सोचा हो ना सोचा हो, नहीं कह सकता मैं इस बारे में। मैंने इसको नाम दिया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आप इसको देखो तो ये तो हमें इक्वेशन भी लग रहा है भाई, हमने इसको इक्वेशन क्यों नहीं बोल दिया या कुछ और क्यों नहीं बोल दिया, हमने आइडेंटिटी वर्ड यहां पर यूज किया। आइडेंटिटी, एग्जैक्टली मैंने नाम दिया इसको आइडेंटिटी। तो हमको यहां पे ये पता होना बहुत जरूरी है व्हाट इज एन आइडेंटिटी और हमने इसको आइडेंटिटी क्यों कहा, सिंपल इक्वेशन क्यों नहीं कह दिया। ठीक, अब ध्यान दो आप यहां पे थोड़ा सा। आइडेंटिटी, अगर हम इसके वर्ड मीनिंग पे जाएं, आइडेंटिटी का वर्ड मीनिंग बेटा हुआ पहचान। ठीक, अब पहचान से क्या मतलब हुआ इसका? ठीक, आइडेंटिटी इज दैट इक्वेशन विच रिमेन्स सेम फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर मैं आइडेंटिटी को डिफाइन करूं आपके सामने तो मैं कहूंगा आइडेंटिटी इज दैट इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। आइडेंटिटी हमारा वो इक्वेशन होता है जो वेरिएबल की सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल हूं मैं आपके सामने, यहां पर मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो और एक मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू कितना, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस। ठीक, बिल्कुल क्लियर है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू माइनस टू के लिए ही सेटिस्फाई होगा। मैं टू और माइनस टू के अलावा कुछ भी लगाऊंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आ पाएगा। बट अगर आप इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें मैं एक्स कुछ भी लगा दूं हमेशा लेफ्ट और राइट साइड हमेशा बराबर ही रहने वाली। सो दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स इन विच इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी।
सो आइडेंटिटी इज दैट इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक, एंड सिंपल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. जैसे आप देखो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई हुआ, ये ईच एंड एवरी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा. अब ध्यान दो, इसको मैंने क्यों कहा आइडेंटिटी, इसको मैंने इसलिए कहा बेटा क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो थीटा इज अ वेरिएबल है, यहां पर थीटा हमारा वेरिएबल है और इसमें आप थीटा की कोई भी वैल्यू लगा, आप इसमें थीटा की कुछ भी वैल्यू प्लेस कर दें, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वन के बराबर ही आने वाली है. सो वी कैन से दिस इज एन आइडेंटिटी एज इट इज सेटिस्फाइड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. तो कोई भी टर्म अगर हमारे सामने नया आता है तो हमको हर हाल में उसका वर्ड मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल डेप्थ में जाके हम उसको पढ़ें तो ही हमको उसका जो है एडवांटेज प्रॉपर मिल पाएगा. ठीक है, एनीवेज मूव करते हैं सेकेंड बात. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. यहां से भी दो रिजल्ट, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन. इसमें कई लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रसिद्ध लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वो तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया. काफी सारे लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि वे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन की जगह टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर टू वन कह देते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं वो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लगाते हैं वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा. तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा. अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आप साइड में इसको जरूर नोट करें, इसको नोट करें, यहां से वैल्यू निकालें, कभी गलती नहीं होगी. अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करोगे मेमोरी से तो गलती हो सकती है, या तो अच्छी तरह आपको बिल्कुल ध्यान सही तरीके से हो. ठीक, अच्छा यहां पे सेक पहले है टेन बाद में बीच माइनस है, तो याद रखिए प्लस तो सिर्फ यही बार आता है, बाकी दोनों में माइनस आएगा. अब ये डिसाइड कैसे करें सेक पहले टेन बाद में, इसको याद कैसे रखें, तो अल्फाबेटिकली अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा तो अल्फाबेट्स में एस पहले आता है टी उसके बाद आता है, तो जो अल्फाबेट्स में पहले है वो यहां पहले है एस टी, अल्फाबेटिकली एस टी, गलती होगी नहीं कभी. ठीक है, तीसरी बात, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना वन. यहां से बेटा दो टाइप की बातें हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन. तो ये रहा आपका थर्ड टाइप का रिजल्ट जो आपने यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की फॉर्म में इसको पढ़ा. ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं आपको यहां तक? तो ये तीनों टाइप की चीजें आपने क्लास टेंथ में की हुई थी, बट हो सकता है कि आइडेंटिटी वर्ड को आपने यहां पर पहली बार डिफाइन किया हो, आपने इसके पहले इसको ना सोचा हो ना पूछा हो ना किसी ने आपको बताया, तो ये हो सकता है बस ये नया रहा हो आपके लिए, बाकी सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल वही है जो आपने क्लास टेंथ में की. ठीक, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले करेंगे वही प्रूविंग द आइडेंटिटीज,